नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, कई मार्ग हुए प्रभावित। कई गांव और बाड़ों में जलभराव। वारासिवनी में एक मकान गिरा। वारासिवनी में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना। रेत ट्रॉली के भाव कम करने की मांग। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने की लोक संपर्क क्रांति विजय अभियान की घोषणा। 23 से 28 जुलाई तक चलेगा अभियान। लैंडझरी संकुल के सभी शिक्षकों ने किया एम शिक्षा मित्र ऐप का विरोध। कहा नहीं लगाएंगे ई अटेंडेंस। जनसुनवाई में लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखी अपनी समस्याएं। और कलेक्टर ने आहरण संवितरण अधिकारियों को दिए निर्देश, कोषालय में तत्काल पेश करें एरियर्स के बिल। और अब समाचार विस्तार से। पिछले एक सप्ताह से जिले में मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। इस मानसून में हो रही रोजाना बारिश ने जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में तबाही मचा रखी है। पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के चलते बरसात का पानी लोगों के घरों और कार्यालयों में घुस रहा है। वहीं इस आसमानी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। शहर के जामा मस्जिद चौक स्थित प्राथमिक नेहरू शाला परिसर में पानी भर जाने से स्कूली छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को स्कूल आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जय हिंद टॉकीज परिसर स्थित शासकीय माध्यमिक शाला की छत टपकने से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या रोजाना ही कम देखी जा रही है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कक्षा 8वीं के छात्र अभिजीत बाहेश्वर ने बताया कि स्कूल की छत टूटी हुई है, जिससे रोजाना पानी टपकता रहता है, जिसके चलते कक्षा में बैठने की भी इच्छा नहीं होती है। ये बताओ, जैसे आपके स्कूल की जो छत है टपकती है, आप क्लास में बैठते हैं इसकी वजह से? जी नहीं, पानी टपकता है। जी पानी टपकता है। तो बैठने की इच्छा होती है? जी नहीं। तो मैडम लोगों को बताते हैं आप? जी बताते। वहीं स्कूल की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती मंजू रंगारे ने बताया कि वर्ष 2014 के पहले से ही स्कूल की छत से पानी टपक रहा है। कई बार संबंधित अधिकारियों और संबंधित विभाग को सूचना दी जा चुकी है, बावजूद इसके भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ये तो अब छत हर साल नहीं टपकती है, ये पूरी टूट गई है छत। अब हर साल हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट लगवाती हूँ मैं। जैसे स्कूल शुरू होने के पहले सीमेंट लगवाती तो काफ़ी मतलब थोड़ी ये हो जाती है, सुविधा हो जाती है। दीवारें भी पूरी दरारें पड़ गई है, दीवारें भी सीपेज होती है। मैडम कितने सालों से चल रहा है ये? तो अब बहुत सालों से चल रहा होगा। हम लोग 2014 में हम आए हैं, तब से यही स्थिति है यहाँ। तो आपने कभी अवगत कराया अपने वरिष्ठ अधिकारी? हाँ, कराया नहीं, हम सभी लोग आए, अधिकारी लोग, अंगूरी जी भी आए थे, BRC महोदय भी आए थे, फिर धुआरी जी भी आए थे 5 सितंबर को। हमने आपका स्कूल ऐसा ऐसा हो रहा है? हाँ हाँ, मालूम है उनको। 5 सितंबर को उन्होंने बोले हैं कि ये यहाँ मरम्मत करवा देंगे, बोल के गए थे। लेकिन अभी तक हो पाई कि नहीं हो पाई मरम्मत? अभी कोई मरम्मत तो। सबसे ज्यादा परेशानी किस किस क्लासरूम में? अभी 6वीं में है और 8वीं में। मैम जानकारी के मुताबिक यहाँ पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है, कैसा करते हैं आप लोग? वहीं से नगर पालिका से आता है टैंकर, जिस दिन नहीं आता उस दिन हम फिर उसमें फोन लगाते हैं। तो अभी बच्चे आते हैं कि नहीं आते? आ रहे ना बच्चे अभी। कितने बच्चे आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं फिर भी 20-22 बच्चे आ रहे हैं। इतनी कम संख्या क्यों है बच्चों की? यही है मतलब बिल्डिंग के कारण पानी टपकता है सब, मतलब शौचालय भी वो भी नहीं है, वो भी टपकता है वहाँ भी, शौचालय भी वहाँ पर। तो ये टपकती छत को लेकर के बच्चे भी कम रुझान है बच्चों का? हाँ हाँ। वहीं इस पूरे मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान BRC नरेंद्र राणा ने बताया कि शाला भवन का निर्माण कराया जाना है, जिसका प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है, लेकिन अब तक भवन निर्माण की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। जय हिंद टॉकीज में जो है नवीन माध्यमिक शाला का उन्नयन हुआ है, तो जो भवन है हमारा वो पुराना वाला प्राथमिक शाला का भवन था, उसी में दोनों संस्था संचालित हो रही है और उसमें नवीन भवन का प्रस्ताव जो है वो भेजा जा चुका है और उसकी मरम्मत के लिए भी जो है प्रस्ताव नगर पालिका में भी और जिला पंचायत में भी जो है AWP बननी है उसमें भी भेजा गया है। और वर्तमान में समस्या है, आज जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो लगभग हमारे ऐसे विकासखंड के 3-4 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पानी की समस्या आई। जैसे नवे गाँव में भी छत टपकता है हमारा और जहीन टाकीज में भी छत टपकता है, तो हमने शिक्षकों को बता दिए हैं कि वहाँ की स्थिति देखकर नहीं तो सूखे वाले जो कमरे हैं उसमें कक्षा संचालित की जाए। सर, वहाँ की मैडम ने भी बताई है कि बच्चे
बच्चे बहुत कम आते हैं ये यही बरसात के समय, ताकि बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं। 2014 के पहले से ही वैसे हालात हैं, बहुत दिनों से हालात। कई बार पत्र व्यवहार भी किया गया, लेकिन अभी तक उसकी कोई भरपाई नहीं हो पाई है। हाँ, ये वो सही कह रहे हैं वो, कि क्या हो रहा है कि वहाँ जब छत टपकता है तो जो नीचे में पूरी ज़मीन गीली हो जाती है, मैंने भी जाके देखा है, और अधिकारियों को भी हमने जो है उच्च कार्यालय को भी सूचित किया है, लेकिन चूंकि ये शासन स्तर का मामला है तो भवन निर्माण शासन स्तर से ही होता है, तो वहाँ पर भेजा गया है। जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिलेगी भवन निर्माण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो सूखे कमरे हैं उनमें एक साथ बैठाने के लिए उनको। इसी तरह ग्राम रेंगा टोला स्थित एक पुलिया में पानी भर जाने से पुलिया से होकर आवागमन करने वाले 15-20 गांवों का संपर्क टूट गया है, और लोगों को बालाघाट आने व बालाघाट से अपने गांव जाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि लोग अपने जान को जोखिम में डालकर पुलिया पार करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा रेंगा टोला स्थित उक्त पुलिया को ऊंचा किए जाने की मांग की गई है। इसमें कम से कम 12 से 15 गांव तक प्रभावित हो गए हैं। लोगों की आने जाने में बहुत मुश्किलें हो रही है। जो बेचारे रोजमर्रे के काम पे जाने वाले, आज उनकी रोजी रोटी से भी वो वंचित हो गए, और कई अपने भाई लोग हैं जो बेचारे गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे हैं, वो गाड़ी वाड़ी भी लेके नहीं जा सकते वो लोग इधर उधर, और कई लोग हैं तो जहाँ के वहीं अटक गए सब। और आज बहुत लोगों का ये हुआ, ये पुल जो है 15 से 20 गांव तक यहाँ से आना जाना डेली बालाघाट होते रहता है, इसलिए हमारी ये है कि ये पुल थोड़ा सा बड़ा बन जाए तो लोगों की आने जाने की जो समस्याएं हैं दूर हो जाएगी, वैसे ही हमारी इच्छा है। इसी तरह पानी के तेज बहाव की चपेट में आने से ग्राम एंका टोला स्थित पुलिया टूट गई है, जिसके चलते 8 से 10 गांवों का संपर्क टूट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पुलिया का निर्माण पिछले वर्ष करीब 15 लाख रुपए की लागत से कराया गया था, जो इस वर्ष की पहली ही बारिश में टूट गया है। ग्रामीणों द्वारा पुलिया के निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया गया है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्राम एंकाटोला निवासी छोटे लाल बोपचे ने बताया कि पुलिया टूट जाने से लोगों को एक गांव से दूसरे गांव आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वर्ष कब किस मत से बना था मालूम है क्या? आने जाने के बना था, कहाँ कहाँ जोड़ता है ये? सीधा एंकाटोले से सीधा रेंगाटोला जाती है। कितने गाँव को जोड़ता है ये? 2-3 गाँव भर रहा हूँ सीधा बालाघाट। अच्छा ये बताइए, ये कब टूटा ये पुल? ये आज ही टूटा। कैसे? पानी की ज़्यादा बहाव। पानी की ज़्यादा बहाव से जो लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से। तो क्या परेशानी जा रही है अभी आपको? बस वो आने जाने में तकलीफ हो रही है ना, साइकिल मोटरसाइकिल नहीं जा रही। तो कौन सा नाला बोलते हैं इसको? जाकपुर एंकाटोले का नाला बोलते हैं।
वहीं जागपुर निवासी छगन लाल बिस्से ने पुलिया के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। ये अपने जागपुर रेंगा टोले इनका टोले को मिलाने के लिए बना हुआ था। अच्छा, ये कब हालत हुई? ये हालत आज। कैसे? ये बाढ़ से, बरसात के पानी से अपने 8-10 गांव के संपर्क टूट गया। तो किस चीज़ को जोड़ता था ये सीधा? ये सीधे अपना दीनी कूनी उनकी टोला भांडी पिपरिया तक के का मार्ग बनता था। अच्छा, कितनी लागत से बना था ये? करीब करीब 15 लाख रुपए की लागत से बना। इसी साल बना था? पिछले साल बना। एक साल हो गया? एक साल। अच्छा, क्या लगता है ये जो अभी टूट गया पहली बरसात में? आप ही देख लो, गवर्नमेंट चेक कर ले इसका, पूरा शासन चेक करवा, पूरा घटिया ही दिख रहा है जी इसमें। तो टूट गया 15 लाख का तो कुछ दिख ही नहीं रहा सामान, यहाँ 5 लाख का पुल बचा है अब। इसके अलावा ग्राम जागपुर निवासी मोतीलाल खानखुरे ने जागपुर पंचायत के सरपंच पर घटिया पुलिया का निर्माण कराने का आरोप लगाया है। अच्छा, ये पुल किसके द्वारा बनाया गया था? ये सरपंच के द्वारा बनाया गया है, जागपुर पंचायत के द्वारा। जागपुर पंचायत। अच्छा, किस मकसद से बनाया गया था ये? आने जाने के लिए, यहाँ से लोग बेनी तक जाना आना करते हैं। अच्छा, कब बना था ये पुल? ये पिछले साल बना। एक साल हो गया था। क्या लगता है जैसे पहली बारिश में ये पुल अस्त व्यस्त हो गया है? ये यानी घटिया निर्माण हुआ है इसका, इसलिए क्या अंदर टूट रहा है। अभी क्या तकलीफ जा रही है आप लोग को? अरे यहाँ से आने जाने टूट गया तक के लोगों को तकलीफ जा रही। यहाँ से सब्जी वाले, खेती किसानी करने वाले लोग आना जाना करते, पूरा मार्केट ही टूट गया। बारिश का कहर केवल यहीं तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था ना होने के कारण जिले के अन्य गांवों में भी जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। इसी कड़ी में हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम तिलपेवाड़ा में बारिश का पानी कई लोगों के घरों में घुस चुका है और लोग दूसरों के घरों में अपना गुजारा करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मंगलवार को ग्राम तिलपेवाड़ा नाहरवानी के कुछ ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पानी की इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नाहरवानी निवासी शोभा राम रनगिरे ने बताया कि 3 सड़कों का पानी उनके घरों में घुस गया है, जिसके चलते उनका घर गिरने की कगार पर है और वे अपने बच्चों को किसी दूसरे के घर में रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? शोभा राम रनगिरे। कहाँ से आए आप? तिलपेवाड़ा। क्या समस्या आप लोगों का? हमारे घर में रोड सीसी रोड बनी हुई है, उसके कारण ग्राम पंचायत सरपंच को हमने कहा कि हमारे घर के बाजू में रोड बनाइए, क्योंकि घर पे पूरे आधे गांव का पानी हमारे घर के सब पास से सामने से जाता है और वो पानी पूरे हमारे घर के अंदर जा रहा है। रोड की निकासी नहीं करने के कारण पूरा घर के अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे घुटना है कम से कम, बहुत पूरा ऐसा कटिया कि नीचे तक पूरा पानी है। खाना नहीं बना सक रहे हम, खा पी नहीं सक रहे, कोई बच्चे लोगों को दूसरे के यहाँ रख रहे हैं। और हम तिलपेवाड़ा वार्ड नंबर 17, पूरे घर में घुस रहा है, पूरे घर में पानी घुस गया है। 4 घर है जैसे, पूरे आस पास मिला करके बीच में चौक है और पूरे 3 रोड का पानी आधे गाँव का वही जमा होता है करके। शिकायत थाने में करे हम, पहले सरपंच के पास गए, सचिव के पास गए, उन लोगों ने आकर के देखा, उसके बाद कोई उसका सूचना नहीं निकाला, बोले थाने में आप एक रिपोर्ट दे दो। किस किस प्रकार की समस्या सामने आई है? हमारे घर में इसी प्रकार की कि पूरे घर पर पूरा पानी, घर के आसपास पूरी दीवारें भींग गई है और पूरी दीवारों पर सीप चढ़ गया 2-3
3 फीट तक और पूरे धड़ पे गिर रहे मकान के, मकान गिरने की पूरी संभावना है कि आज ही रात को गिर जाएगा, ऐसा पक्का पक्का तय है। ये बीते पूरे 4 दिनों से पानी लगातार गिरते जा रहा है। अभी हम लोग तो बाजू घर में हम दोनों पति पत्नी रहते, बच्चे लोग पड़ोसी के यहाँ रहते हैं, हमने बच्चों को पड़ोसी के यहाँ कर दिया, दिन भर वो खेलते कूदते इधर उधर रह जाते। जिला कांग्रेस द्वारा 17 जुलाई को वारा सिवनी में धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल और नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने भाजपा सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। इस बात की मानसिकता बनाता है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। प्रदेश के युवा इस बात के लिए संकल्प कर चुके हैं और अब एक परिवर्तन का माहौल देश में और नगर के सभी साथियों से यही मेरा आग्रह है कि इनके खिलाफ आंदोलन नेताओं के कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय हमारे नेता भैया ही होंगे, थोड़ी उसमें सरकार को सरकार की बात सब खत्म करो और बिल्कुल जो है कल से आप इनका नाम लेके प्रचार करो, कहीं आप बिल्कुल वो करने की जरूरत नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बोल रहा है, मगर उसके बाद में अभी योजना को जब क्रियान्वयन किया गया तब भी देश में 3,000 रुपए और 2100 रुपए लोहे के रेट थे, सीमेंट के रेट 250 से नीचे थे, 240-230 में सीमेंट उपलब्ध होता था, कितनी सस्ती थी। और रेत तो रेत माफिया का जो आलम जो है, जो शोषण है, जब से शिवराज सिंह की सरकार आई है, चाहे वो गांव के लोग हो चाहे शहर के लोग हो, मकान बनाना दुर्लभ हो गया। कई ट्रैक्टर वाले बेचारे उनको तो 379 में हाईकोर्ट में बेचारे जमानत नहीं मिलती थी, उनको जेल के अंदर ठूसा गया। वो तुम्हारे ट्रैक्टर वालों की गलती नहीं है, वो पैसे ज्यादा ले लेते हैं तो क्या करें, उनका शोषण हर स्तर पर रहता है, तुम्हारी नीतियां ही वैसी है। और जब इसका सारा विरोध प्रदेश भर के लोगों ने विरोध किया तब पिछले विधानसभा के सत्र में शिवराज सिंह ने अनाउंसमेंट किया कि अब रेत जो है हम रेत का नीलाम प्रदेश भर में नहीं कराएंगे, ग्राम पंचायतें और नगर पंचायतों को जो है वो रेत का पूरा जो है काम किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के बाद सभी कांग्रेसी रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर 700 से 800 रुपए ट्रॉली रेत उपलब्ध कराने की मांग की। रेत सड़क पर नहीं जाएगा। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता कार्यकर्तागण, महिला कांग्रेस की हमारी नगर की और ब्लॉक की कार्यकर्तागण आज एस डी एम कार्यालय का घेराव करने जा रही है। साथियों आज आवास निर्माण में अवैध रेत उत्खनन के साथ साथ जो महंगी रेत प्रदान की जा रही है 1500-2000 रुपए में गरीबों को रेत लेनी पड़ रही है। गरीबों को सस्ती रेत दिला न सके वो सरकार की कमी है। अगर उस समय अगर नहीं रोकते तो आपका सबका सिलेब काम नहीं जाता, ये सब बिगड़ा ही ना जाएगा ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिला प्रशासन चाहे 15 दिन के लिए नगर पालिका को छूट दिया, एक मिनट वही चाह रहा हूँ आपसे, ये जो है कम से कम आवास हितग्राहियों को तो कम से कम अपनी जवाबदारी, अपने पैसा दे रहे हैं उनको तो अपना जवाबदारी की उनको रेत दिला के काम खत्म करा। हमने चर्चा भी की थी लेकिन माइनिंग ऑफिस कलेक्टर ऑफिस के अंदर आता है तो उसमें भी ज्यादा हमारा सी रहता है। हमें लगभग 800 मकानों की स्वीकृति मिली और इसी तरह से हर ग्राम पंचायत में मकान बन रहे हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि भाजपा के शासन में
लेंथ लेवल के बाद हमारे जितने हितग्राही हैं किसी को रेत मिलना बंद है। जो पहले 700 रुपये रेत मिला करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के कुप्रशासन के चलते हमारे विधायक सांसद इनके मैं कहूँगा निकम्मेपन के चलते आज 700 की रेट 3,000-3,500 क्या कारण है? जिसके कारण आज हमारे लोगों का मकान नहीं बन रहा है और खुले बरसात में घर में लटके हुए हैं ग्राम पंचायत और शहर में। तो आज इसी बात की मांग को लेकर हम लोग आए थे कि जिला प्रशासन और हमारे जो भाजपा शासन के जो लोग हैं हमारे हितग्राहियों को सस्ते दर पर रेत दिलवाने की जवाबदारी उनकी हमको याद दिलाना है। और ये याद दिलाने हम जो ज्ञापन दिया राज्यपाल जी को कि हमारे मुख्यमंत्री ने 4 महीने पहले घोषणा किया था कि हम मध्य प्रदेश में ठेका पद्धति बंद कर रहे हैं और जैसा कांग्रेस के राज में हुआ करता था उसी प्रकार से पंचायत को और नगर पालिकाओं को हम उसका अधिकार दे रहे हैं घाट का रेत का। लेकिन 4 महीने हो गए और आज रेत का उत्खनन बंद हो गया जबकि नदी में 4 महीने में मुख्यमंत्री घोषणा का पालन नहीं हुआ। उसका दंश जो आज पूरे हमारे गरीब पूरे क्षेत्र के गाँव के शहर के दंश हमारे गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। इस बात का क्या एक महीने पूर्व भी आपने पूरे शहर के लोग परेशान हैं। पहले हमने 1,00,000 रुपये दिए 8 परिवार को, उनका मकान स्लेब लेवल में आ गया। हमने खींच खाच के दौड़ भाग करके फिर पैसे लाए और उनके सबके खाते में 1,00,000 डाले कि हमारे गरीबों की स्लेब ढल जाए। दुर्भाग्य यह है कि जैसे ही पैसा आया सेकंड किस्त का, जो रेत शहर में 600-700 मिल रही थी, 5 घाट शहर में हमने पूरे घाट फ्री कर दिए कि हमारे लोगों को रेत सस्ती मिले। हर चीज़ महंगी हो गई, 600-700 रुपये रेत मिल रही थी। पर अचानक कुछ दिन से शासन पे दबाव बनाकर, पुलिस वालों पर दबाव बनाकर सिंडिकेट जो है रेत के ठेकेदार सीवा कंस्ट्रक्शन भाजपा के लोग उन्हें ट्रैक्टर पकड़ाए, ट्रैक्टर वाले नालामाल कर दिए और जो 700 की रेत आती थी उसने 4,000 हो गई। आज गरीब परेशान है, वो रेत 400-500 मिल रही। दुख की बात है कि हमारे शहर में घाट हमारे शहर की रेत हमारे शहर लोग नहीं मिल रही। यहाँ की रेत सिवनी जा रही, जोधपुर जा रही, छिंदवाड़ा जा रही है और हमारे शहर लोग रेत नहीं मिल रही। उसी बात को लेकर हम यहाँ पहुँचे थे और एसडीएम को बोले हैं कि आप कलेक्टर से बात करें और हमारे शहर में जो लोग मकान बना रहे हैं शहर में ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम उनको उचित दर में रेत मिल जाए और हमारे गरीबों की छत ढल जाए। जो आज बारिश में परेशान हो रहे हैं लोग, आज सुबह तो पानी आएंगे पानी घुस गया, सब परेशान है। इनकी परेशानी को दूर करने, इनकी सुविधाओं के लिए इनके उचित दर में रेत दिलाने आज कांग्रेस पार्टी हमारे नेताओं के नेतृत्व में यहाँ पहुँचे हैं और एसडीएम से बात की, कलेक्टर से बात करते हैं। हम लोग कम से कम एक एक परिवार को 4-3 चार मिल जाए जिससे कि गरीबों की स्लेब ढल जाए। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, देश की कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों को लेकर 23 जुलाई से 28 सितंबर तक लोक संपर्क क्रांति विजय अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसकी तमाम जानकारियां मंगलवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे द्वारा दी गई। आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मुंजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठे वादे करने वाला नेता बताया। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार व उनके मंत्रियों की जमकर निंदा की है। 23 जुलाई महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर हम लोग एक लोक संपर्क क्रांति विजय अभियान प्रारंभ कर रहे हैं और महान शहीद आजम शहीद भगत सिंह के जन्मदिन 28 सितंबर को बालाघाट में उसका समापन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही झूठ बातें की करके पूरे देश के किसानों को छल करने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हमने फसल का लागत का 1.5 गुना दे दिया है और ये बिल्कुल झूठ बात कर रहे हैं। अब 1 क्विंटल धान बालाघाट में धान होता है ज़्यादातर, 1 क्विंटल धान की जो लागत आती है वो आ रही है ज़मीन के उस पर पूरा खर्च और ज़मीन का जो मतलब किराया है ठेका जिसे किराया होता है 1 एकड़ के वो सबने निकाला है तो 3,433 रुपये उसकी लागत मूल्य आ रही है। लागत मूल्य का हम आधा करते हैं 50% तो 1,733 अगर इसको जोड़ते हैं हम तो 5,999 रुपया ये होता है उसका समर्थन मूल्य। और उन्होंने दिया अभी 200 रुपये बढ़ाया सिर्फ 1,550 मिल रहे थे 200 रुपये मिला के 1,750 किया तो जो लागत मूल्य है उसका आधा भी नहीं दे रहे हैं। वो भी एक प्रधानमंत्री के स्तर के नेता को जो इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता है। शासन के आदेश के मुताबिक शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को एम शिक्षा मित्र ऐप पर ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है, लेकिन जिले के ज्यादातर शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं और वे एम शिक्षा मित्र ऐप पर ई अटेंडेंस लगाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के कई शिक्षकों ने अपने मोबाइल से एम शिक्षा मित्र ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया है और वे इस ऐप की कई विसंगतियां बताते नजर आ रहे हैं।
शिक्षकों के इन्हीं विरोध के बीच मंगलवार को लैंडेझरी संकुल के सभी शासकीय स्कूलों के शिक्षकों ने एम शिक्षा मित्र ऐप पर अटेंडेंस लगाने का विरोध किया है। साथ ही शिक्षकों ने इसके विरोध में तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी बताई है। एम शिक्षा मित्र ऐप पर ई अटेंडेंस लगाए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्राम लैंडेझरी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय के लेखापाल सुधीर मिश्रा ने बताया कि जब तक एम शिक्षा मित्र ऐप की विसंगतियां दूर नहीं की जाती तब तक वे ई अटेंडेंस प्रणाली का विरोध करते रहेंगे। आज अटेंडेंस लगाए आपने? ये अटेंडेंस नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगाया? आदेश है आयुक्त के? आयुक्त के आदेश हैं, बाकी क्या है भाई। व्यवहारिक परेशानी है हम लोगों को, जो है कई सारी जगह जो है, जैसे मान लो डीओ ऑफिस जाना है और ऑफिस कार्य से मान लो कहीं जाना पड़ता है, काम नहीं हो पाते हम लोगों के जो है, तो इस कारण क्या है सब कहाँ जाएंगे। ये अटेंडेंस लगाएंगे तो फिर क्या है वो शो नहीं कर पाता, तो इस कारण क्या है ये अटेंडेंस लगाना संभव ही नहीं हम लोगों के लिए, हम लोगों ने अटेंडेंस नहीं लगवाए। तो इसकी आपने जैसे ट्रेनिंग हुई होगी तो आपने वहाँ बताया होंगे ना कि भाई क्या क्या समस्याएं फेस हो रही है, तो विभाग का क्या कहना है इसमें? विभाग का कहना तो है कि ये अटेंडेंस लगाई जाए सब लोगों को, बाकी उसमें सुधार होना चाहिए। क्या जैसे मान लो बायोमेट्रिक्स लगाएं या जैसे जो भी है तो सुधार अगर हो जाता है तो फिर लगाएंगे। हाँ फिर लगा सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है। बायोमेट्रिक्स और क्या है पूरे मध्य प्रदेश में इसकी जो है वो सुचारू रूप से योजना चालू होना चाहिए भाई। केवल एक शिक्षा विभाग ही क्यों है कि उन्हीं को अटेंडेंस लगाना जरूरी है या उन्हीं के लिए अनिवार्य है, ये कोई जरूरी तो नहीं है। नहीं, अनिवार्य तो कर दिया गया, आप कैसा करेंगे? क्योंकि भाई दंडात्मक कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है, निरीक्षण की बात कही जा रही है, यदि ऐसे में आपके ये अटेंडेंस नहीं मिलती है तो वेतन रुक सकता है। नहीं वेतन रुकेगा एक अलग बात है, पूरे संगठन जो है उसके लिए एक लामबद्ध है, पूरा संगठन लामबद्ध है उसके लिए। सब जैसी योजना होगी, जैसा संगठन का वो आएगा उस हिसाब से फिर विरोध आगे भी जारी रहेगा, विरोध आगे भी जारी। वहीं विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक आशीष बिसेन ने चर्चा के दौरान बताया कि शासन ने ई अटेंडेंस का नियम केवल शिक्षा विभाग के लिए ही बनाया है, जबकि अन्य विभागों में ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, जिसके चलते समस्त अध्यापक संघ इस ई अटेंडेंस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आगामी 23 जुलाई को आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले ई अटेंडेंस का वृहद स्तर पर विरोध किए जाने की चेतावनी दी है। देखिए उपस्थिति पहले से ही सुनिश्चित की जाती रही है हमारे प्रिंसिपल महोदय के द्वारा, हमारे जो मिडिल स्कूल में HM महोदय हैं उनके द्वारा, तो उपस्थिति को एक नए तरीके से सुनिश्चित करने के लिए एम शिक्षा मित्र का जो उपयोग किया जा रहा है उस प्रक्रिया को लेकर हम विरोध कर रहे हैं। हम कहीं भी उपस्थिति को लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं। एम शिक्षा मित्र के माध्यम से ई अटेंडेंस जो लगाने का जो तरीका है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं कई तरह से, उसका हम विरोध कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं? कई तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि केवल शिक्षा विभाग में हमारी कई तरह की लंबित समस्याएं हैं जिनका त्वरित निराकरण होना चाहिए था। शिक्षा विभाग में हमारे सविलियन के आदेश जो हैं वो मंत्रिमंडल में पास भी हो गए, उसके बाद भी अभी तक के आदेश नहीं आया। पहली दिक्कत हमें इस बात से है। दूसरी दिक्कत जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है जो एक साल पहले बन चुकी है, उस माध्यम से हमारे प्राथमिक शिक्षक और मिडिल स्कूल के जो अध्यापक थे वो अभी तक के अपने घरों में वापस नहीं आ पाए हैं। उनके जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो अभी तक नहीं हो पाए हैं, वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, ये हमारी दिक्कत है। और कई तरह की हमें परेशानियां हैं, तो हमारी समस्याओं का त्वरित निराकरण न करते हुए एम शिक्षा मित्र के माध्यम से ई अटेंडेंस जो लगवाई जा रही है उसका हम विरोध कर रहे हैं। और प्रांतीय स्तर पर 23 जुलाई को हमारा जो प्रांतीय सम्मेलन है आज़ाद अध्यापक संगठन का, 23 जुलाई को जबलपुर में होने जा रहा है, और उसमें आधिकारिक रूप से ई अटेंडेंस का विरोध हमारे प्रांतीय नेतृत्व द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। हम तो ये मानते हैं कि चूंकि हमारे ऊपर भी अधिकारी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, और उनके माध्यम से वर्षों से हमारी उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। कोई नहीं आता है तो उसकी CL लगाई जाती है, और अन्य कारणों से नहीं आता है वो तो उसकी शिकायत की जाती है। जब सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही है तो एम शिक्षा मित्र के माध्यम से हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के भी अधिकारियों का हनन किया जा रहा है, ये हमें बिल्कुल उचित नहीं लगता। और दूसरी बात महत्वपूर्ण बात ये, इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले ने बताया कि एम शिक्षा मित्र ऐप पर ई अटेंडेंस लगाने का नियम शासन द्वारा बनाया गया है। यदि कोई भी शिक्षक और अन्य अधिकारी कर्मचारी इस नियम का विरोध करता है तो ई अटेंडेंस नहीं लगाता है तो उस पर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी। देखिए योजना पहले से ही बनी बुनाई हमको दे दी गई है, उस योजना का अमलीकरण करना है। जैसा भी आपने बताया कि हमारा जिला NP में 2nd नंबर पे है, का मतलब एम शिक्षा मित्र से ई अटेंडेंस लगाई जा रही है।
अधिकांश शिक्षकों के द्वारा लगाई जा रही है। बहुत कम ऐसे शिक्षक होंगे जिनके द्वारा नहीं लगाई जा रही है, जो विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। हाँ, जिन वो भी लगाएंगे क्योंकि जब नीति निर्देश शासन ने दे दिए हैं तो हम कोई नहीं होते उन व्यवस्थाओं में दखल करने वाले, क्योंकि व्यवस्था बना के ऊपर से दी गई, अपने को व्यवस्था बनाना है। और इसके लिए लगातार जो भी ऊपर से निर्देशित है भोपाल लेवल से, PS मैडम से और शासन से, कि लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग JD लेवल पे होगी, DO लेवल पे होगी, DPC लेवल पे होगी और हमारे द्वारा जो दल गठित किए जाएंगे उनके द्वारा भी होगी। और अभी फिलहाल हम लोग लैपटॉप वितरण के लिए उसमें लगे हुए हैं और हम ऑनलाइन भी देख सकते हैं इनके ऊपर कार्यवाहियाँ। तो जैसे ही हमको पता चल रहा है कि ये SS स्कूल का टीचर नहीं लगा रहे हैं, उनके ऊपर कार्यवाहियाँ 100 का नोटिस देने के बाद में, उसके बाद में और जो भी कार्यवाहियाँ बनती है अनुशासनात्मक वो की जाएगी, क्योंकि शासन से निर्देश है कि हम नहीं करेंगे कार्यवाही तो हमारे ऊपर कार्यवाही होगी। वेतन भी रोका जाएगा? हाँ, वेतन अनुशासनात्मक कार्यवाही में सभी कुछ आ जाता है, उनकी वेतन वृद्धि रोकने से लेके, उनके वेतन रोकने से लेके, क्योंकि यदि नहीं लगाएंगे तो उनकी एब्सेंस शो होगी और एब्सेंस शो होने के कारण फिर उनका वेतन लेने के लिए वो पात्र नहीं। कलेक्टर DV सिंह ने जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शासकीय सेवकों के 2% महंगाई भत्ता एरियर एवं 7वें वेतनमान के एरियर की प्रथम किश्त का देयक तत्काल कोषालय में प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने जारी निर्देश में कहा कि शासकीय सेवकों को 2% महंगाई भत्ता एरियर और 7वें वेतनमान एरियर की प्रथम किश्त के देयक तैयार करने की सुविधा वर्तमान में IFMIS में उपलब्ध है, लेकिन कतिपय आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा देयक कोषालय में प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण शासकीय सेवकों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। साथ ही शासकीय सेवकों को प्रत्येक माह की 1 तारीख को वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश आहरण संवितरण अधिकारियों द्वारा वेतन देयक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक माह की 30 तारीख तक वेतन देयक कोषालय में प्रस्तुत करें, ताकि शासकीय सेवकों को माह की प्रथम 1 तारीख को वेतन भुगतान हो सके। समय सीमा में वेतन देयक प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने जिला अधिकारियों के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी, साथ ही उनकी सभी समस्याओं को दूर किए जाने की गुहार लगाई। जिलेवासियों से प्राप्त आवेदनों का संज्ञान लेते हुए जिला अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को नागरिकों की सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। मंगलवार को आयोजित इस जनसुनवाई में 76 आवेदकों ने जिला अधिकारियों के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं रखी। इसमें वार्ड नंबर 6 के नागरिकों ने वार्ड में रह रहे ईरानी परिवार के लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी नागरिकता की जाँच किए जाने की मांग की, साथ ही ईरानी परिवार के सदस्यों को कई अपराधों में लिप्त बताया है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वार्ड नंबर 6 महावीर कॉलोनी निवासी मनोज सचदेव ने बताया कि वार्ड में निवास कर रहे ईरानी परिवार ने भारत सरकार के साथ धोखाधड़ी कर हिंदुस्तान की नागरिकता प्राप्त कर ली है और वे पिछले कई वर्षों से वार्ड में अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 महावीर कॉलोनी, जो कि संभ्रांत लोगों का जहाँ पर बसाव है, यहाँ पर इन लोग रहते हैं। हमारे मोहल्ले में काफ़ी साल से, 6-7 साल से एक ईरानी परिवार है जो कि संदेहप्रद गतिविधियों में लिप्त है। इनको भारतीय नागरिकता कैसे मिली, हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी जांच की जाए। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और उसके साथ ही इनके जो आपके मुझे ऐसा पता चला है, कुछ लोगों ने बताया कि इनके वोटर आईडी भी बन चुके हैं, राशन कार्ड भी बन चुका है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, ये कभी भी कोई भी बड़ा खतरनाक काम कर सकते हैं। इन लोगों के यहाँ कुछ संदिग्ध लोग रात में आते हैं और ये खुद सट्टा चकरी और चश्मे का काम करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। आए दिन जो सुने मकान हमारे यहाँ हैं, जो मकान बन रहे हैं जिसमें निर्माणाधीन है, उनमें भी इनके द्वारा चोरी करते हुए पूरे मोहल्ले के लोगों ने देखा है। कई बार इनकी हमने पुलिस में कंप्लेंट भी की है,
यानी 4 से 5 बार कंप्लेंट हो चुकी है, SDM साहब के पास भी कंप्लेंट हो चुकी है, उसके बाद भी इस पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं हुई है। हम सभी मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए हैं कि इस पर गंभीर कार्रवाई हो, और ये जिस जगह रह रहे हैं वो रोड है, रोड की जमीन में अतिक्रमण किया हुआ है, इसको इन लोग हटा नहीं रहे। वहीं भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 के नागरिकों ने जल जमाव की स्थिति से निजात दिलाने व रोड, बिजली व नालियों का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर जनसुनवाई में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भटेरा चौकी वार्ड नंबर 2 निवासी ओम प्रकाश नकपुरे ने बताया कि पिछले 10 दिनों से उनके घर के सामने पानी भरा हुआ है, जहां से आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पानी की वजह से क्या हो रहा है? पानी भरा हुआ है घर के सामने में। कितने दिनों से? ये हो गया कम से कम करीब कोई 10 दिन हो गया। अच्छा, तो अब पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है क्या? रोड ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, तो आप नगर पालिका गए थे? हाँ, कई बार गए, दो बार गए। क्या बोले? वही अभी जहाँ से आना जाना हो रहा है वहाँ से चले जाओ, बाद में देखते हैं। कितने वर्षों से साल है ये? कम से कम मेरे हिसाब से मैं रह रहा हूँ जब से, तो 10-12 साल हो गए, 18-20 साल हो गए। तो अभी बनी ही नहीं क्या? नहीं बनी नहीं। तो नालियाँ भी नहीं होंगी? नालियाँ कुछ नहीं है। तो क्या पानी घर में घुस जाता है? हाँ, पानी भी आ जाता है, जैसे ज़्यादा पानी बढ़ जाता है तो घुस में घुस जाता है। वहीं वार्डवासी श्रीमती तुलसी ठाकरे ने बताया कि उनके वार्ड में पूरी बरसात भर पानी जमा रहता है, तबीयत खराब हो जाने पर लोग उपचार के लिए अस्पताल भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ रोड की बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ पर? नमन स्कूल के साइड में, वार्ड नंबर दो भटरा चौकी नाके के साइड में कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। जिसने प्लाट बेचा है उसने हमें रोड नहीं दिया है। तो क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या नहीं है? बिजली नहीं है, पानी भरा रहता है पूरे टाइम, और हम बच्चे को स्कूल पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कोचिंग नहीं लगा पा रहे हैं। मेरे 3-3 बच्चे खत्म गुजर चुके हैं, अभी 15 जून को एक बेटी गुजर चुकी है। ऐसे समस्याओं से हम डॉक्टर के घर नहीं ले जा पा रहे हैं। 4 बच्चे को जन्म दी मैंने, लेकिन मेरे पास एक ही बेटी बच्ची है, 3 बच्चे मेरे गुजर चुके हैं। हर साल घुटने भर पानी से मैं आना जाना करती हूँ, बच्ची को स्कूल छोड़ती हूँ। इसी तरह वार्डवासी पूरनलाल डोहरे ने बताया कि वार्ड में बिजली, पानी, सड़क और नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके निर्माण को लेकर कई बार नगरपालिका में आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक वार्डवासियों की समस्या का निजात नहीं किया गया है। रोड और बिजली की समस्या? किस प्रकार की समस्या आ रही है? पानी भरा रहता है बरसात में, घुटने पर पानी, बिजली भी नहीं है, पीछे से लिए अस्थायी कनेक्शन है, जो जिसके पास हमने प्लाट लिए उसके पास भी 2-3 बार गए, पर समाधान हम दिए नहीं, उन्हें कुछ जवाब देते नहीं, बोले अभी तुम्हारा काम चल रहा है चलने दो। तो आपके पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद तो कोई ध्यान नहीं देता हमारा। कई बार हमने नगर पालिका में ज्ञापन दिए, कलेक्टर साहब के पास पहली बार आए हैं आवेदन देने के लिए। 18 साल से मैं निवास करता हूँ वहाँ पर, बरसात के दिन में 3-4 महीने रहती है समस्या, बड़े बड़े जहरीले जीव जंतु घर के अंदर घुस जाते हैं, सांप आते रहते हैं। इसी तरह जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत कोसमी के वार्ड नंबर 20 से आए वार्डवासियों ने सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं बनाए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग पूरी न होने पर आगामी चुनाव में बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान ग्रामीण सुनील पटले ने बताया कि उनके वार्ड नंबर 20 में पाइपलाइन, सीसी रोड, बिजली पोल आदि की व्यवस्था नहीं है। कई बार आवेदन देने के बाद भी उनकी समस्या का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। सीसी रोड निर्माण, पाइपलाइन स्थायीकरण, बिजली के पोल की समस्या है, और पानी, बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ये विगत 20-25 सालों से हमारे वार्ड में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो रहा। कई बार हमने सरपंच, सचिव, CO साहब को भी ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को भी कई बार दिए आवेदन हमने, लेकिन इस पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमको आज यहाँ पर आना पड़ा। तो इन समस्याओं से किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कतें वो है कि अभी कीचड़ की वजह से बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गलियों में इतना, हमारा रोड तो है ही नहीं है, गलियों में इतना कीचड़ हो गया है और पानी भी जमा हो गया है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहीं ग्रामीण श्रीमती सावित्री श्रीवास ने बताया कि यदि इस बार भी वार्डवासियों की मांग पूरी नहीं की जाती तो वार्डवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कराया गया है कि हमारे वार्ड में खंभा की व्यवस्था नहीं है, हम दूसरे के घरों से लाइट लिया जा रहा है, वहां से भी हमको बराबरी की लाइट नहीं मिल रही है। कई दिनों से कम 200 साल से हमको उनको अवगत कराया जा रहा है कि नल नहीं है, पाइपलाइन विस्तार करिए, खंभा लगाइए।
तो ये कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनपद सीईओ से भी हमें अवगत कराया गया तो उन्हें जांच के लिए जांच अधिकारी को भेज दिया, आज तक के ना ही रोड निर्माण का करते हैं। हम जनप्रतिनिधि पंचायत से अनुरोध करते हैं कि हमारे वार्ड का ना ही मकान टैक्स लिया जाए, ना ही किसी से मकान की स्वीकृति का पैसा लिया जाए। आज के बाद वार्ड नंबर 20 में यदि काम नहीं होगा तो कोई चुनाव में हम वोट नहीं देंगे। मतलब चुनाव का बहिष्कार करेंगे? चुनाव का बहिष्कार अच्छे तरीके से करेंगे। लगभग कितने आबादी में? कम से कम 400 से 500 लोगों की आबादी। पूरे श्रमिक लोग हैं, पूरे मजदूर लोग हैं, स्कूल बच्चे जा नहीं सक रहे हैं, रोज कमाने खाने वाले जा नहीं सक रहे, ना ही नाली बन रही है ना ही रोड बन रही है। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? हमने जनपद में किए, पंचायत में किए हैं, पंचायत को अवगत करा है, जिला कलेक्टर में करवाए हैं, सीओ साहब के पास में जाके अवगत कराए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से वारा सिवनी में जनजीवन प्रभावित हो गया है। क्षेत्र के कई नदी नाले उफान पर हैं। जानकारी के मुताबिक थाने गांव नाले के ऊपर 2 फीट पानी होने से लोगों को आवागमन में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों ने यहां ऊंचे पुल निर्माण की मांग की है। इसमें 4 ही पिलर है ना? इसमें हाँ, 4 वहाँ 11 है। आपका नाम? मेरा नाम रामप्रसाद डा। ये जो थाने गांव में पुलिया की स्थिति कैसे, जो बारिश हुई आज, क्या परेशानियां जा रही है? जी, ऐसी विशेष ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन पुलिया की जो हाइट जो है, मतलब ऊपर वाली रोड की, हाँ, वो कम से कम 1.5 फीट अगर ऊंची हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता। जो गैलरी साइड से बनी हो? नहीं, वो थोड़ी सी बढ़ाना था मतलब। जैसे अभी स्कूली बच्चे भी इसी मार्ग से आना जाना करते हैं, जैसे आज बारासुनी पहुँचे होंगे बच्चे, जी जी, तो फिर वो कैसे आना जाना करेंगे? आना जाना तो उसका आवागमन तो अवरुद्ध होगा ना। अवरुद्ध होगा। थोड़ी ऊंचाई उसकी बढ़ाई जानी चाहिए थी ना, हल्की, अगर 1.5 फीट अगर रोड अगर मान के चलो ऊंची कर दे वहाँ से, और गैरली थोड़ी आगे बढ़ा दे, तो मतलब जाना समस्या हल हो जाएगी। जैसे जो बारिश हुई है, तो आज की जो तेज बारिश हुई, तो खेती कार भी प्रभावित हुए होंगे यहाँ से थाने गाँव के? जी जी, हाँ, खेती साल प्रभावित हुई है, पानी भी ज़्यादा भर गया यहाँ पे। जी जी जी, तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसकी जो साइड वाली जो गैरली है ये थोड़ी सी बढ़ा दे, और उस पुलिया की जो हाइट है वो कम से 1.5 फीट और ऊंची कर दे। मैं ईगोल की सदस्यकिया सेवा सहकार समिति थाने गाँव का अध्यक्ष हूँ वर्तमान। थाने गाँव जी, ये थाने गाँव पुलिया की स्थिति क्या है आज? थाने गाँव की पुलिया की स्थिति है कि मैं अपने मंडी नीति से यहाँ पर निर्माण हुआ है 78 लाख रुपये में, ताकि ये जो पुलिया की जो हाइट जो बढ़नी चाहिए, इसकी हाइट और 2 फीट ऊँची होनी चाहिए थी। इसमें पिलर की जो कमी की है, ये शासन प्रशासन ने जो दबाव में जो काम किया है, जो पुलिया हमारे जो मैदोली में जो बना है, इससे हीवी बना है, जो कि वो वाला पुलिया यहाँ ट्रांसफर, यहाँ ये बनना, यहाँ बनना था, और यहाँ का पुलिया वहाँ बनना था, यहाँ यानी पुलियों की जो पिलर कहते हैं अपन, जो कालम जो है, वो पिलर की जो है वो कमी की। इसमें 4 ही पिलर है, और मैदोली के जो पुलिया बना है उसमें 9 पिलर है। भैया, अभी कितना फीट पानी जा रहा है ऊपर? अभी 1 से 1.5 फीट पानी लगभग जा रहा है ऊपर पानी, और पानी बढ़ने की पूरी लगभग पूरी 100% संभावना है कि अभी और इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। तो लोग कैसे आना जाना कर रहे हैं? अभी तो क्या है, जब इन मजबूरी में ज़बरदस्ती में जा रहे हैं, ताकि नहीं जाना चाहिए, प्रशासन भी इसमें रोक टोक करना चाहिए कि ताकि भविष्य में किसी खतरा ना हो। आप देख लीजिए, बाजू में जो है इसमें वाल खड़ी करनी चाहिए थी, जो सामने वाल खड़ी की है वही वाली वाल, ये सामने भी दोनों साइड, आगे भी और इस साइड भी, दोनों तरफ वाल खड़ी करना था। यानी किसी समय बड़े हादसे हो सकते हैं? अगर किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें शासन और प्रशासन इसमें स्वयं जवाबदार होगा। नगर में सुबह से ही हो रही बारिश से कई चौक चौराहे और कई वार्डों में जलभराव होने से लोग परेशान होते रहे। उधर अंदर भी पानी घुस Oh, my God.
वहीं वार्ड नंबर 15 में एक मकान गिरने की भी जानकारी मिली है। आपका नाम? सलीम भी। ये घर कैसे गया, गिर गया? वो घर गिर गया बरसात के कारण गिरा। हाँ। ये घर गिरा, उस समय घर में अंदर कौन कौन थे? हम पांच जन थे, मेरे दो, एक पोतरा, एक पोतरी, बड़ी बहू, बड़ा बेटा और मैं, सब अंदर ही थे। अंदर ही थे। तो किसी को कोई चोट आई? नहीं, चोट तो नहीं आई बेटा, अल्लाह का मेहरबानी है। कुकुर चाय बना रही थी चूल्हा जला का, तो इतने में कर 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 रहे थे, इनको बोली चलो भगो रे बेटा, चार कदम नहीं आए तो भाग से गिरे बेटा, पूरा घर गिर गया। ये पानी यहाँ कहीं जमा हुआ था कभी? हाँ, पानी जमा हो गया, पानी जमा है, पानी जाने का, पानी जमा हो गया था। हाँ, जिस कारण गिर गया। हाँ, और पकड़ लिया नीचे में पोल। अभी कहाँ रहने की व्यवस्था? अभी कुछ है? रहने का वो झोपड़ा पड़ा है, वो भी वो वहाँ भी पानी पानी नहीं रहा। अब कहाँ रहोगे? अब देखो कहाँ रहेंगे, अब हम, हमको जगह ही नहीं है रहने के लिए। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारे क्या बोलते, मदद करो कि हमारा नुकसान हुआ, अनाज पानी, वो बर्तन भांडा सा, चेपाक चापाक का, और क्या बोलते, बोरी के बोरे, चावलों के गेहूँ के बोरे, सारा सत्यानाश। लालबरना के बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पीछे हाई स्कूल रोड पर 8 माह पहले बनाए गए शौचालय का उपयोग व्यापारी नहीं कर पा रहे हैं। साफ सफाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। यहां के व्यापारियों ने तत्काल साफ सफाई की मांग की है। अच्छा, कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ के शौचालय की, जैसे आप जानते हो? ये जो शौचालय है वो करीब 8 माह पूर्व बना था, तो जानकारी के हिसाब से आरईएस के डिपार्टमेंट के लोगों ने बनवाया, परंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि 8 महीने से शौचालय चालू नहीं हुआ, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे व्यापारी बंधुओं को बहुत दिक्कत चाहती है। उसके बाद पंचायत ने नाली बनाई, उसने भी तोड़ फोड़ कर दी। वहाँ पर चीप का पत्थर नहीं है, चढ़ने की व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं होती। ग्राम पंचायत के पास जाओ वो कहती जनपद जाने, जनपद के पास जाओ तो ग्राम पंचायत जाने। हम व्यापारियों का पेशाब घर का नहीं होना यहाँ पर बहुत दुर्लभ हो जाता है। आए दिन हमने इसकी शिकायत कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर जी की सेंस से भी की थी, उन्होंने इसको संज्ञान में भी दिया था। मैं चाहूँगा कि पद्मेश सिटी केबल के माध्यम से ये आवाज़ को उठाई जाए, चूँकि पद्मेश की सिटी केबल जब कोई आवाज़ को उठाता है तो निश्चित ही उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है। व्यापारियों के हित में हमारी बात को आप उठाने का कष्ट करें, ये आपसे हमारा निवेदन। नासिर खान, लालबरना। कैसी क्या व्यवस्था है यहाँ के शौचालय की? शौचालय की बहुत घटिया व्यवस्था है, आप जाके देखो वहाँ पर इतनी गंदगी है, लोग पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब नहीं कर पाते, इतना गंदगी है। कितने सालों से, कितने महीनों से बनाया है शौचालय? 6 महीने हो गए बना है, और उसके सामने पूरी मोटरसाइकिल खड़े रहती है, कोई बोलने वाला नहीं, पार्किंग बना दी है, और पेशाब करने वाला जाएगा तो मोटरसाइकिल खड़े रहती है, कोई बोलने वाला नहीं, दिक्कत होती है पेशाब करने वालों को। तो पंचायत साफ अप नहीं करवाती, कुछ ध्यान नहीं देती पंचायत दे रहा भैया, मतलब ध्यान ना पंचायत दे रहा है ध्यान, आप देख लो वहाँ पर चीप नहीं डली, नाली बनी। कितने लोग यूज करते होंगे शौचालय ये? भैया बहुत लोग यूज करते हैं, पूरा मार्केट से लोग आते? हाँ, पूरे मार्केट के लोग आते हैं। तो क्या मांग है आपकी? भैया हम चाहते हैं कि यहाँ के मतलब व्यवस्था सही हो, साफ सफाई हो, और वहाँ आने जाने का रास्ता सही हो, मतलब चीप तक। लालबरना के सब्जी बाजार में भारी अव्यवस्था देखी जा रही है, जिसके कारण सब्जी विक्रेताओं को सड़क पर बैठकर दुकान लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इससे ग्राहक दुकानदार तो परेशान है ही, साथ ही यातायात भी प्रभावित हो रहा है। यह पूरी परेशानी जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत पांडरवानी और कृषि उपज मंडी के बीच तालमेल नहीं होने से हो रही है। इसी के चलते हाट बाजार के लिए आई 50 लाख रुपए की राशि वापस हो चुकी है और सभी लोग अव्यवस्था से परेशान हैं।
हरिता। कहाँ रहते हो आप? तब जैसे आपकी रोजाना जाना करते हो मार्केट में, कैसी क्या व्यवस्था है मार्केट की यहाँ के? बहुत कीचड़ है, बहुत सब्जी के लिए आते हैं हम लोग, हाँ कीचड़ के बारे चल नहीं सकते। तो क्या कैसे ने पूरी गंदा ही है पूरा मार्केट? रोड बनाना चाहिए। कोई व्यवस्था है ही नहीं है यहाँ पे किस टाइप की? कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ की? मैं कमलेश रांगडाले भारतीय इंडस्ट्रीज लालबरा से। कितने साल से आप यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं लालबरा मार्केट में? सर मैं तो यहाँ से समथिंग समथिंग 20 वर्ष से यहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ। तो कैसी क्या स्थिति है मार्केट की यहाँ की? सर यहाँ मार्केट की स्थिति क्या है, यहाँ पे आए दिन हम लोग ऐसा कुछ भी यानी कि हम लोग मार्केट का यानी पैसा जो लेते जा रहे हैं कलेक्शन के रूप में टैक्स के रूप में थोड़ा मोड़ा लेते जाते हैं और रास्ते के रूप में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो पूरा रास्ता पूरा गंदा है, पूरा रास्ता पूरा बेकार है, पूरा पानी भरा पड़ा रहता है। तो यही की हालत है कि पूरे मार्केट की हालत है? पूरी मार्केट की हालत है यहाँ का, ना पानी की कोई व्यवस्था सही ढंग से निकासी की व्यवस्था है, पूरा कीचड़ बना हुआ है, यहाँ से कस्टमर कैसे आएंगे, कोई कुछ किस टाइप से आएंगे कुछ समझ नहीं आता यहाँ पे। तो क्या मांगे आप, क्या चाहते हो यहाँ पे? हम लोग तो कम से कम यही चाहते हैं कि यहाँ पे तो कम से कम रोड अच्छे से बन जाए, कम से कम यानी कस्टमर को आने जाने की, हम लोगों को आने जाने की, हर किसी को आने जाने की, यहाँ से रास्ता का एकदम कम से कम कितना तो कर दे पंचायत यहाँ की कि कम से कम रास्ता सही हो जाए, सीमेंट के पानी निकासी के लिए हो जाए, पानी निकासी हो जाए, कहीं का बैलेंस सही नहीं है, कहीं का साइज कहीं कुछ है किस टाइप के, नहीं है सिर्फ बिल्कुल रास्ते सही नहीं है बिल्कुल, बस सब जगह पानी भर गया है। हाँ सब जगह पानी भरा पड़ा है, कीचड़ बना पड़ा है, यहाँ मार्केट में पूरी कंडीशन खराब है। कस्टमर लोग आते क्या बोलते, ग्राहक लोग जो आ रहे हैं? ग्राहक क्या है, ग्राहक की तो परेशानी, हम लोग तो धंधा कर नहीं पा रहे हैं, दुकान तक पहुँच ही नहीं पा रहे, दुकान तक भाई कस्टमर ही नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ फिर क्या देंगे, क्या बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं। कैसी क्या व्यवस्था है आपके मार्केट में? पानी की वजह से कीचड़ उचल है और पंचायत की तरफ से हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, मतलब पंचायत बाजार भी नहीं जाती और कचरा भी नहीं उठाती सब्जी वालों का, और जैसे पब्लिक आती है तो आने वाने की बहुत दिक्कत है, बीच बीच में दुकानें लगी जो रोड में उसको भी नहीं हटा दी, कोई व्यवस्था दुकान नहीं है, पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, दुकान भी व्यस्त नहीं है। तो आप अभी टैक्स दे रहे हो पंचायत में? पंचायत को टैक्स देते हैं बाजार के दिन, बैठ के सब लोग पैसे देते हैं बाजार वाले, मतलब पंचायत यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं देती हमको। जैसे भी लगातार 3-4 दिन से पानी गिर रहा है तो उसे क्या हालत हो गई मार्केट की? अभी मार्केट की हालत, ग्राहक लोग क्या बोल रहे हैं? बहुत तकलीफ है पब्लिक को, यहाँ ग्राहकों को आने में बहुत दिक्कत है, दुकान में आने में दुकानदार। श्री विद्या सागर जी महाराज की दीक्षा के लिए 50 वर्ष पूर्ण होने पर लालबर्रा में दिगंबर जैन समाज द्वारा स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अभिषेक पूजन किया गया, फिर शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं अस्पताल में मरीजों को फल और मिठाई का वितरण किया गया। इसके बाद उत्कृष्ट विद्यालय में वृक्षारोपण भी किया गया। आपका नाम? किस संबंध में वृक्षारोपण किया गया आज? ये आचार्य विद्या सागर जी के 50 वर्ष शिक्षा के पूर्ण होने में पूरे भारत वर्ष में संयम पर्व महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आचार्य श्री ने आज से 50 वर्ष पूर्व शिक्षा ली थी, तब शायद इतना
कल्पना ना रही होगी, हमने हमारे 24 तीर्थंकरों को तो देखा नहीं आदिनाथ से लेकर 24 तीर्थंकर, लेकिन आज के भगवान के रूप में परम पूज्य स्वाट श्री विद्यासागर जी महाराज हम सबके सामने हैं, और जिनका विचारधारा आज संपूर्ण भारत के लिए एवं अभी तो विश्व के लिए हाथ कर रहा, गौशालाएँ और स्वदेश इंडियन ही भारत, यानी हर प्रकार से उन्होंने भारतीय संस्कृति को, जैन धर्म को, अभी तो मानव धर्म के लिए एक प्रेरणा के रूप में आज हम सभी के सामने उपस्थित हैं। मतलब वे कौन कौन शामिल हुआ है इस वृक्षारोपण में? जैसे पूरा सकल जैन समाज, महिला मंडल, बालक मंडल, जैन पंचायत कमेटी। कहाँ का वृक्षारोपण किया आपने आज? लोगों ने अस्पताल में जाकर मिठाई वितरण और फल वितरण किया। वारासिवनी में 17 जुलाई को बीएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहरवाल की प्रमुख उपस्थिति में हुए सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए गए। सम्मेलन के बाद सभी पदाधिकारी रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे। उन्होंने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर गरीबों के हित में कई मांगे की। चलो ठीक है, आप लोग पास साधन कौन सा है आपके पास? जोरदार ताली बजा आप आराधन बस से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूरा बहुजन समाज, सर्वजन समाज, कृष्णा सिंह जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इनके नीतियों कैसे हो पूरे मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेता पदाधिकारीगण इसी स्तर पर इसी प्रकार से सेक्टर पोलिंग पर हमारे संगठन में समीक्षा ले रहा, तो उसी तारतम्य में आज यहाँ वारासिवनी में आया था, क्योंकि वारासिवनी बहुजन समाज पार्टी की मजबूत विधानसभा है और इस विधानसभा को 2018 में हम जीतना चाहते हैं, उसी उद्देश्य से मेरा आज दौरा हुआ। तो किस तरह से कार्य करेंगे आप 3 माह बचा चुनाव को? हमारे जो पोलिंग पर हमारा जो संगठन है, सेक्टर पर जो हमारा संगठन है, आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि बहुत बारिश के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ता आज कार्यक्रम में आए, और मुझे बड़ा विश्वास है कि इस विधानसभा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। समीक्षा में क्या पाए, कुछ कमियां पाई है? समीक्षा में मुझे कोई कमी नहीं लगी, हमारे कार्यकर्ताओं को मैंने दिशा निर्देश दिए हैं और वो दिशा निर्देश लेकर अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। ये भी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो रहा है बीएसपी का, ये विषय बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का है, इस विषय पर मैं अपनी बात नहीं रखूँगा। 1200 खिलाजा विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई टिकट को लेकर नाम प्रत्याशी विधानसभा? अभी तक इस बात को लेकर यही कहूँगा कि जो कुछ भी फाइनल होगा, हम लोग हमारे कार्यकर्ता साथी, विधानसभा के अध्यक्ष, जिले के लोग, तीन चार लोगों के प्रत्याशी जो भी होंगे, उनकी हम लोग पैनल देखेंगे, जाँच होगी और तमाम विषयों पर हम लोग गहन चर्चा करने के बाद हमारे नेता इसको भी टिकट देगी, हमारे कार्यकर्ता उसको जिताने का काम। कब तक क्लियर हो जाएगा ये? बहुत जल्द होने वाला है। प्रदेश में किन बड़े मुद्दों पे अपने बसपा चुनाव लड़ेगी? आज प्रदेश की हालत आप सब लोगों से छुपी नहीं हुई, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, नौकरी पैसा लोग हो, चाहे बेरोजगार, तमाम प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, और इन तमाम मुद्दों पर हम भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की 2018 में मध्य प्रदेश से विदाई तय है। प्रमुख मांगों में ऐसा है कि ग्रामीण अंचलों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना बन रही है उसमें शहरी और ग्रामीण, शहरी में कम पैसा मिलता है? नहीं, ग्रामीण में कम, ग्रामीण में कम पैसा मिलता है, शहरी में ज़्यादा मिलता है। ऐसे भी रेत मिल नहीं रही है और मटेरियल काफ़ी दाम बढ़ चुके हैं, तो अवेलेबल रानी ओंती बाई के नाम से हो गया है, लेकिन लिखा जाता है। आज जितने पूरे सेक्टर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण पति बहरवार जी भी आज आए हुए हैं मुबारक जी, और कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन है आने वाले 2018 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करें, और जितने भी कार्यकर्ता है और जितने भी वोटर्स हैं उनको बहुजन समाज पार्टी में वोट करने के लिए तैयार करें, ऐसा दिशा निर्देश आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दे रहे हैं। आगामी चुनाव में क्या परिणाम रहेगा? आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी,
और हमारा ऐसा मानना है कि वाराणसी विधानसभा को बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और सभी कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम कर रहे क्षेत्र में और उनकी जो कार्य काम करने की जो गति है बहुत तेज मात्रा में है और हमको लगता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी वाराणसी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस से गठबंधन होने की बात के सामने आ, अब तो ऊपर का मामला है, हम उसको कुछ कह नहीं पाएंगे कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, बहन जी क्या करती है। लेकिन वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम कायदी में दशरथ विश्वकर्मा के मकान में आकाशीय बिजली गिरी जिससे परिवार के लोग बाल बाल बच गए, वहीं घर का अनेक सामान जलकर नष्ट हो गया। मेरा नाम योगेश विश्वकर्मा। कहाँ थे? ग्राम कायदी। क्या घटना? एक्चुअली में हुआ क्या, सुबह 8 बजे हम लोग अपने घर की तैयारी में लगे हुए थे, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में लगे हुए थे और अचानक से बहुत ज़ोरों से बादल गरजा और बिजली घर के ऊपर आके गिर गई। कहाँ पे गिरी? पीछे साइड में, पीछे छत पे जो टीन लगी हुई है वहाँ पे गिरी है। तो क्या क्या प्रभावित हुआ बिजली गिरने से? बिजली गिरने से सबसे पहले तो सारे घर की वायरिंग जल गई है और मीटर भी उखड़ के जल गए हैं और टीवी भी ब्लास्ट हो गई है और सारे बिजली के जो बोर्ड थे वो पूरे जल के राख हो गए हैं। बटन भी अपने आप निकल गए? पूरी बटनें भी टूट गई हैं। इतना ज़ोर से झटका लगा कि सारे बोर्ड बम ब्लास्ट जैसे टूट के अलग अलग गिर गए हैं। आने किसी को आने करंट का एहसास हुआ? हमारे पूरे परिवार को सदस्य को ऐसा लगा कि जैसे 440 वोल्ट का झटका सारे परिवार को लगा है और अभी भी सारे परिवार वाले उस झटके को महसूस कर रहे हैं। कहना चाहिए जैसे पूरी तरीके से करंट को जो झटका लगता है वो सारे परिवार को झटका लगा है उस समय में। कितने लोग थे उस समय घर पे? उस समय लगभग हमारे 7 सदस्य घर पे उपस्थित थे। बच्चे भी थे पूरे। अभी दहशत में यहाँ पर? हाँ, अभी भी हम दहशत में हैं पूरे। अभी तो मेरा पूरा परिवार दहशत में है। तो बिजली गुल है? अभी सारी बिजली गुल है। कितने नुकसान हुआ होगा फिर भी आपके? लगभग ये समझ लो कि 15-20 हज़ार रुपये का तो खर्च क्षति हुई है। अभी बड़ा हादसा होता तो टल गया मान के। हाँ, ये एक बात अच्छी हो गई कि जान की नुकसान नहीं हुआ लेकिन माल का बहुत नुकसान हो गया है। भगवान ने चाहा कि हम लोग अभी सही सलामत। वारासिवनी के वार्ड नंबर 7 में निवासरत लोगों ने थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंप कर झूठी शिकायत करने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। बड़ा भारी परिवार में सब, ये दादी है उनकी, कभी भी उनकी बच्ची भी वार्डवासी गायत्री प्रजापति ने बताया कि झूठी शिकायत के आधार पर उनके परिवार को 6 माह में 2 बार जेल जाना पड़ा है। कौन से वार्ड? वार्ड नंबर 7। किस शिकायत को लेकर थाना पहुंचे? ये क्या है, हम 6 महीने से बहुत प्रताड़ित है। हमारा ये आपसी मकान का विवाद है लेकिन वो लोग उसके चलते हमें, मेरे पति को प्रताड़ित कर रही है, झूठा झूठा आरोप लगा रही है। एक बार भी 5 मई को, मतलब 5वें महीने मई में इनको जेल पहुंचा चुकी है 5 दिन। कौन है वो जो आरोप? वो भतीजिया है तीन। अब सगी भतीजी? हाँ, सगी भतीजिया है। चाचा ने बचपन से पाले, दादा दादी ने बचपन से उनको पाले। हाँ, फर्जी आरोप लगा रहा केस है। जमीन जायदाद का हम हिस्सा भी देने को तैयार थे और यही सब। एक बार जेल गए ना, फिर वापस आए, उनको छुड़ाए और फिर हम अपने वो घर छोड़कर चले गए। जहाँ का युवा वहाँ नहीं रह रहे? वहाँ नहीं रह रहे, वहाँ का छोड़कर दूसरी जगह चले गए। कितने बार फंसा चुकी है? एक बार, ये दूसरी बार। क्या मांग करते हैं? वो तो मांग कुछ नहीं, बस मैं तुमको इसी तरह प्रताड़ित करूंगी और बर्बाद कर। मामला क्या बन?
प्रशासन मुझे कुछ सुनवाई नहीं करती। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरे पति को आइंदा से, मतलब वो लड़कियां अगर रिपोर्ट यहाँ करवाने आए तो उनकी दर्ज ना की जाए, कार्रवाई की जाए, उसके बाद कुछ किया जाए, जांच की जाए, उसके बाद उन्हें। वहीं वार्डवासी विनोद मिश्रा का कहना है कि पुलिस पहले जांच करे फिर कार्रवाई करे। इस मामले में थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि शिकायत गलत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस मामले को लेकर थाना पहुंचे? ये वार्ड नंबर 7 से सुनील प्रजापति का एक मामला है, जो उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है भतीजियों से। तीन लाने के भतीजियों से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसके पिताजी, उन लड़कियों के पिताजी लगभग 15 साल पहले घर से बिना बताए कहीं बाहर चले गए। जब पिताजी चले गए तो माँ भी छोड़ के चले गई। वो तीनों भतीजे जब 2 से 6 साल की उम्र में थी, तब जिनके खिलाफ उन्हें रिपोर्ट करी, उन्हीं चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई सब करी, किंतु उनके द्वारा विगत 6 माह से घर के हिस्से को लेकर विवाद किया जाता रहा है। इसके पूर्व भी उन लड़कियों ने थाने में झूठी शिकायत करके अपने सगे चाचा के ऊपर 354 और 506 का मामला कायम करवाया था, जिसकी वजह से उसको 7 दिन जेल में रहना पड़ा था। और अभी पुनः 5 दिन पहले जो विवाद हुआ प्रॉपर्टी को लेकर, उनके द्वारा फिर से थाने में झूठी शिकायत कराई गई और पुलिस द्वारा उसमें 456, 323, 354 और 506 का मामला कायम किया गया। हमारी मांग ये है कि पुलिस मामले की पहले जांच करे और जांच के उपरांत न्याय संगत कार्रवाई करे। कार्रवाई करने के लिए हमको किसी प्रकार का इनकार नहीं है, लेकिन पुलिस उस मामले की पहले जाँच करे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर कई मार्ग हुए प्रभावित। कई गांव और वार्डों में जलभराव। वारासिवनी में एक मकान गिरा। वारासिवनी में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। भाजपा सरकार की नीतियों की की आलोचना। रेत ट्रॉली के भाव कम करने की मांग। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने की लोक संपर्क क्रांति विजय अभियान की घोषणा। 23 से 28 जुलाई तक चलेगा अभियान। लैंडझरी संकुल के सभी शिक्षकों ने किया एम शिक्षा मित्र ऐप का विरोध। कहा नहीं लगाएंगे ये अटेंडेंस। जनसुनवाई में लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखी अपनी समस्याएं। और कलेक्टर ने आहरण संवितरण अधिकारियों को दिए निर्देश, कोषालय में तत्काल पेश करें एरियर्स के बिल। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।